सभी अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस प्रक्रिया, सीख का प्रक्रिया क्या है, कैसे हम सीखते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। नंबर वन, अटेंशन। हम जब भी कुछ सीखते हैं तो हमको उसमें अटेंशन, ध्यान रखना पड़ता है। बिना ध्यान के हमको सीख नहीं पाए। अगर क्लास में फिजिकली बैठे हैं और मन कहीं आपका बाहर है तो इसका मतलब आप सीख नहीं पाए। सो दैट आपको पूरी तन्मयता के साथ, तन्मयता के साथ कार्य करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा अधूरा रहेगा। मेमोरी, जो हम सीखते हैं कहा जाता है हमारा मेमोरी में। मेमोरी में मैंने पूर्व बताया था लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ कुछ ऐसे याद हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, अब कुछ कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाता है। इसके बाद है लैंग्वेज। पहला हमने ध्यान दिया, दूसरा हमारे मेमोरी में गया, तीसरा हमारा लैंग्वेज में आया। लैंग्वेज आया हमारी कुछ हमारे भाषा में आ गया, प्रतीत हो गया। इसके बाद कंप्लीट एक्सपीरियंस, कंप्लीट एक्सपीरियंस पहला से होता है। वह क्या होता है कि आपका जो है वो आपका एकदम जो होना चाहिए कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एसिमिलेशन इंफॉर्मेशन होता है। एसिमिलेशन इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हम जो सीखते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारे मस्तिष्क में। और दूसरा क्या है, सेकेंड एस्पेक्ट रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन मतलब है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीज हम सीखे हैं तो हमारे प्रोसेस में प्रोसेस इंफॉर्मेशन में आता है, ये चीज हम आगे पढ़े हैं। इसके बाद क्या है अवस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, अवस्टेट ये थर्ड स्टेज आता है। हमारा ये चिंतन अवस्टेट रूप में आता है, माने अमूर्त रूप में आता है कि ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है। हम लोग जब कोई चीज सीखते हैं, आज मैंने तीन चार चीजों को बताया है तो निश्चित रूप से आपको होगा कि जब घर में जाकर तीन चार क्लास खड़ी करेंगे तो आपको अवस्टेट एक आएगा, मैंने अमूर्त रूप में एक आएगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, थिंकिंग करेंगे। बुद्धि को बढ़ाना है तो रात में दो दिन में पढ़े, रात में सोने से पहले एक बार रिकॉग्नाइज कर दिए जी, अदरवाइज फिर आपको पता नहीं लगेगा दिन भर क्या करें। आगे क्या है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है जो भी कुछ हम पढ़े हैं। मैं जब पढ़ता था आईए में तो मैं इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा करता था, जिस मकान में रहता था एक कन्या आई थी उन्हें नहीं सारी ब्याह होकर के, वो भी हमारे पढ़े नहीं पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे तो उसके गार्जियन ने कहा कि कन्या है लू निकलने देगा नहीं, मैंने शादी में आया है तो आप लेटर कर से पढ़ के आखिर क्लास में पढ़ती है कॉलेज में तब उनको पढ़ा भी दे, तो हमको क्या हो गया रिविजन, हमारे यहाँ एक्टिव एक्सपेरिमेंट करना हो गया, आने हमारा रिविजन हो गया, एक्टिव एक्सपेरिमेंट करना हो गया, आने हम पढ़ दिया है और पढ़ा दिए। आप पढ़े हैं और पढ़ने के बाद कल आप अपने क्लास में आप किसी और को पढ़ा सकते हैं, तब आपका पढ़ने का औचित्य है। अगर आप पढ़े और पढ़ाए नहीं तो फिर आपकी पढ़ाई को नियम करके पढ़ी तो पढ़ी रहेगी, वो आप ही तक रहेंगे, आपका पढ़ाई अगर तो नहीं है तो पढ़ने का मतलब है किसी दूसरे को और पढ़ाना, यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, माने उसमें आपका पूर्ण रूप से परिपक्वता प्रदर्शन होनी चाहिए। इसके साथ जाएंगे